कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में लगातार आने वाले टेलीफोन कॉल तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से लगातार संपर्क बना हुआ है और उनसे समय समय पर उपचार के संबंध में जानकारी भी ले रहे हैं। कंट्रोल रूम में दो शिफ्टों में कार्य चल रहा है। कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मचारियों को सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में GDA VC आशीष कुमार प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान GDA VC आशीष कुमार ने कर्मचारियों को बताया कि किस तरह से होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमितों से बात करनी है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमितों के मोबाइल नंबर के अलावा उनके परिवार के एक अन्य सदस्य का भी मोबाइल नंबर रखा जाए, जिससे उचित समय पर किसी न किसी से बात हो सके और उनका उपचार सुचारू ढंग से हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा, डॉक्टर आपको फोन आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे। आपको चाहे दवा की कोई कंसल्टेशन करना हो, कोई दवा की आवश्यकता हो, टीम नहीं पहुंच रही हो, तो इस पर वो फोन कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक किसी को चलना बंद कह दीजिए, आप आराम करिए, हमें किसी घर में नंबर दे दीजिए, आप उनसे फोन ले, तो आप उनसे नंबर लेके उनसे फिर बात करिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके नंबर आपके नहीं लगते, ठीक है, उसमें ये है कि उसको आप अलग कर लीजिए और एक बार या दो बार करके उसको मत कर दीजिएगा कि उसको नंबर नहीं लग रहा है। तो आपके पास अगर 6-8 घंटे की शिफ्ट है तो उसमें हर 2 या 3 घंटे में एक बार ट्राई कर लीजिए। हो सकता है कभी कोई फ़ोन ऑफ कर देता है या बैटरी डाउन हो जाती है या कोई वॉशरूम गया है, बाथरूम गया है, नहाने गया है, खाना खा रहा है तो फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन अगर उसके फिर से आप देखते हैं कि वो बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, फ़ोन उठा रहा, तो उससे बात हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो बात जिससे नहीं हो पा रही वो कुछ और कम है, उससे आप लगातार बात कर रहा, 5 बार एक साथ में लगा दीजिए कॉल, ठीक है, तो एक एक घंटे के अंतराल में 2 घंटे के अंतराल में लगाइएगा। अभी नहीं उठा रहा तो उसको अलग कर लीजिए, फिर मान लीजिए आपकी आधा काम पूरा हो गया, फिर आपने 5 मिनट कोशिश कर लीजिए। जी अभी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनको एक बार पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा था और उनको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा रही थी कैसे मरीजों से बात करके कॉन्टैक्ट को चिन्हित करना है, क्योंकि ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को चिन्हित करते हुए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनको हम टेस्टिंग कराएँ और इसको और व्यापक और अच्छे से कराने के लिए अभी एक प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। साथ ही साथ होम आइसोलेशन के मरीजों से भी लगातार बात हो रही है, जैसे ये पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे बात हो रही है और उसके बाद फिर 4 से 5 दिन या हफ्ते भर में फिर पुनः बात की जा रही है, जिससे अगर उनको कोई भी समस्या है, RRT टीम नहीं पहुंची है, दवा नहीं मिली है, तो उनकी सूचना तुरंत हम संबंधित MOIC और RRT को दे रहे हैं, जिससे कि जो भी कहीं गैप्स अगर बचे रह जाते हैं तो उनको हम पूरा कर सकें।